आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, सी न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नवरात्रि से पहले मां राजेश्वरी कैला देवी पर लगने वाले भव्य मेले में पदयात्रियों ने जाना आरंभ कर दिया है। बीते दो वर्षों से कोरोना काल की वजह से सरकार ने पदयात्रा बंद कर दी थी, जिससे माता रानी के भक्तों में मायूसी थी। नवरात्रि से पहले मां राजेश्वरी कैला देवी पर लगने वाले भव्य मेले में पदयात्रियों ने जाना आरंभ कर दिया है। बीते दो वर्षों से कोरोना काल की वजह से सरकार द्वारा पदयात्रा बंद कर दी थी, जिससे माता रानी के भक्तों में मायूसी देखने को मिली थी। अब जब कोविड-19 स्थिति सामान्य है तो सरकार के आदेश अनुसार इस बार पैदल यात्रियों के मेले का आयोजन कराया जा रहा है। पैदल यात्रा के दौरान जगह जगह माता रानी के सेवकों द्वारा माता के दर्शनों को जा रहे पैदल यात्रियों के लिए भंडारा, ठहरने की व्यवस्था, दवाइयों की व्यवस्था, शीतल जल की प्याऊ व्यवस्था एवं अन्य सुख सुविधा संबंधी सभी प्रकार की सुविधाएं दी जा रही हैं। ये यात्रा एकादशी तक यहाँ पर चलेगी, फिर आगे यात्रा पहुंच जाती है तब यहां पर ये भंडारा समापन हो जाता है। भक्तों के लिए क्या इंतजाम किए गए? भक्तों के लिए यहां पर ठहरने के लिए खाने की, पानी की सब सारी सुविधाएं हैं। कब से आप ये काम कर रहे हैं? इस काम को हर साल होता है, 8 साल हो गए, 8 माह ये भंडारा है इसी जगह पर। ये हर साल भंडारा लगता है यहाँ पर, मैया रानी की कृपा है और ये 8वां विशाल भंडारा है, सभी का सहयोग रहता है इसमें। एकादशी तक पदयात्रा चलती है। भक्तों को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, कैला देवी मां के दर्शन करने के लिए लोग मीलों दूर से पैदल चलकर करौली राजस्थान स्थित मां राजेश्वरी कैला मैया के दर्शन करने के लिए आते हैं, जिससे माता के प्रति भक्तों के अटूट प्रेम और विश्वास का बहुत सुंदर नजारा देखने को मिलता है। यहाँ भक्तों की सेवा के लिए ठहरने के भी इंतजाम है, सुबह सुबह चाय नाश्ता कराते हैं, दोपहर में लंच कराते हैं और शाम को फिर भोजन की तैयारी होती है। और माहौल कैसा है? माहौल बहुत अच्छा है। अगर बात करें आगरा से लेकर करौली तक का, तो किस तरीके के पूरे रास्ते में भर में इंतजाम किए गए? रास्ते में मैंने यहाँ से चागन से लेकर मिराकुर तक मैंने देखा है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। आगे की व्यवस्था? आगे भी काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। माता कैला देवी की यात्रा पर विशेष रूप से पदयात्रियों की संख्या अधिक रहती है। आगरा जयपुर राजमार्ग स्थित महुअर पर देवी मां की मूर्तियों के स्वरूप सजाकर विशाल भंडारे का आयोजन प्रतिवर्ष कराया जाता है। इस वर्ष महुअर पर 70वें भंडारे का आयोजन कराया जा रहा है। इस बार अनुमान लगाया जा रहा है कि पैदल यात्रियों की संख्या अधिक रहेगी। क्या कुछ मान्यता है? मान्यता माता रानी की तो कृपा ही है, सब पर मेहरबानी माता रानी जो है। नहीं, बहुत अच्छे इंतजाम, बहुत अच्छे जी, जगह जगह सेवा है, जगह जगह सेवा हो रही है। सेवा करने वालों को लिए कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, सेवा करने वालों के लिए उन्होंने, वो तो मैं बोला वो भी माता रानी के बहुत बड़े भक्त हैं, ठीक है जी, माता रानी उनको दे रही है, वो सेवा कर रहे हैं। आपके साथ कितने लोग जा रहे हैं? ना, हम तो दो ही है, दोनों आर्मी से हैं, हम लोग आर्मी से रिटायर्ड हैं दोनों। क्योंकि दो वर्ष से देवी मां के मेले का आयोजन नहीं हो सका है, फिलहाल माता रानी के दर्शनों के लिए जाने वाले भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा है। भक्त बिना किसी चिंता, बिना किसी क्षेत्र के पैदल ही मंदिर की ओर निकल पड़े हैं, जिनकी सेवा के लिए माता रानी के भक्त भी दिन रात व्यवस्थाओं को बनाने में जुटे हुए हैं। सी न्यूज के लिए अनिल कुमार सिंह की रिपोर्ट।